स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब अपने अंतिम दौर में है। थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अक्टूबर तक चलने हैं। इस वीक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब शेष है, जिसमें सोमवार यानी कि कल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब 25 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल अभी तक जारी हुए हैं। अब उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल जारी होंगे जो कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को CET एग्ज़ाम के कारण अपने निर्धारित दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे थे, उन सभी के लिए अलग से DV शेड्यूल जल्द जारी होगा। इसके बाद उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो कि इस पूरी DV प्रोसेस में अपने समय पर अनुपस्थित रहे थे। चाहे उनका कारण कोई भी रहा हो, उन सभी अभ्यर्थियों को एक अंतिम मौका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का DTA के द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुके होंगे। अब ज़्यादातर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट और साथ ही आगे की प्रोसेस का इंतज़ार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपके फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है, तो अभी कोर्ट केस की हियरिंग भी 5 नवंबर को होनी है। तो सभी अभ्यर्थियों का ध्यान अब उस ओर भी है कि 5 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली है, इसमें बोर्ड के द्वारा मजबूत पैरवी की जाए, जिससे कि यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हटे। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही कल आपने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से एक और न्यूज़ देखी होगी कि यहाँ पर अब जो नवंबर महीने में रोज़गार उत्सव होने वाला है, उन सभी के लिए अब जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ताकि नवंबर मेले में आयोजित होने वाला जो उत्सव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा सके। इसी की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कल एक ऑर्डर भी देखने को मिला होगा, जिसमें विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर जो जो भर्तियाँ करवाई जा रही है, उनमें कौन कौन सी भर्तियों की ज्वाइनिंग नवंबर महीने में हो सकती है, इसके लिए एक लेटर आप सभी ने देखा होगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या नवंबर के महीने में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है इस समय की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में शामिल है। एक तरीके से सबसे बड़ी भर्ती ही जूनियर अकाउंटेंट की है, तो अगर इसका भी ज्वाइनिंग यहाँ पर नवंबर महीने में होने वाले जो उत्सव है इसमें हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, इसके लिए भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले महीने में आपके उपचुनाव भी होने हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि क्या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती भी आपके इस रोज़गार उत्सव में शामिल होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके 5 नवंबर को जो कोर्ट केस है, इसकी हियरिंग होगी, जिसमें कि आपके फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपका स्टे हटेगा। अगर इस सुनवाई में नहीं हटता है तो आपकी जो आने वाली सुनवाई है वो 15 नवंबर से पहले पहले होने की यहाँ पर पूरे चांस है कि 15 नवंबर से पहले आपकी सुनवाई हो। और जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट से आपका स्टे हटता है, इसके बाद बोर्ड के द्वारा आपकी प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि पहले भी हमने बात की है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मैक्सिमम दिवाली के बाद भी 1 या 2 दिन चलने वाला है, यानी कि 5 या 6 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा। चूँकि आपका डिपार्टमेंट आपके जो DV प्रोसेस चल रही है इसको हाथों हाथ यहाँ पर जो है लिस्ट तैयार करने में लगा हुआ है, तो अगर हम इसके बाद 10 दिन भी माने तो भी आपका जो है यहाँ पर लिस्ट लगभग 15 नवंबर तक बोर्ड के पास भेज दी जाएगी। और 15 नवंबर तक अगर आपका कोर्ट केस भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो पूरी उम्मीद बनती है कि लगभग जो है बोर्ड यहाँ पर 25 नवंबर तक आपका रिज़ल्ट निकाल दें। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का यहाँ पर यह भी प्रश्न रहता है कि अभी जो आचार संहिता लगी हुई है तो इसमें रिज़ल्ट वैसे भी नहीं आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये आचार संहिता लगी इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और परमिशन मिल जाएगी, तो आप सभी का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द आएगा। और पूरी उम्मीद है कि 25 नवंबर तक आपका फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो ये उत्सव है ये नवंबर के एंड में रखा जा सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती इस नवंबर उत्सव में शामिल हो जाती है तो पदों की संख्या जस्ट डबल होने वाली है, यानी कि पूरी उम्मीद है कि इस नवंबर महीने में जो उत्सव होने वाला है इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसमें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती भी शामिल होगी और पूरा उम्मीद यही है कि 25 नवंबर तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आए और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर नवंबर उत्सव मेले में आप सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिले। तो ये तो बात थी नवंबर रोज़गार मेले की, जिसमें GRA भर्ती के भी शामिल होने की संभावना है। साथ ही हमने बात की है 5 नवंबर को जो कोर्ट केस है
इसमें जो फाइनल रिजल्ट पे स्टिल लगा हुआ है इसको लेकर भी आपको यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलेगी। अगर एक सुनवाई और लगती भी है तो 15 नवंबर से पहले आपकी वो सुनवाई कंप्लीट होगी और यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा और 25 नवंबर तक आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर आपने कल ये लेटर देखा होगा जिसमें कि यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आगामी रोजगार उत्सव माह नवंबर में आयोजित किया जाना संभावित है, यानी कि नवंबर के महीने में यहाँ पर रोजगार मेला आयोजित हो सकता है, नहीं तो दिसंबर के महीने में जो है यहाँ पर रोजगार मेला ज़रूर आयोजित होगा। तब तक आपकी ज़्यादातर भर्तियों के फाइनल रिजल्ट आ चुके होंगे क्योंकि आज के समय में काफ़ी भर्तियाँ जिनके फाइनल रिजल्ट अभी आने बाकी है, जैसे कि संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक है, इसके अलावा आपका जूनियर अकाउंटेंट है, आईए का भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पर कंप्लीट हो जाता है तो उसका भी फाइनल रिजल्ट आना है। तो यहाँ पर अब जो है इस वर्ष के एंड तक ज़्यादातर भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। वैसे जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, आने वाले अगर हम बात करें 7 से 8 वर्किंग डे में आपका डीवी लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, जिसमें से अगर हम बात करें तो 4 दिन अभी 25 अक्टूबर तक शेष है, इसके बाद 2 से 3 दिन में बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों का जो कि CET के कारण शामिल नहीं हुए या फिर जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं कराए उन सभी को यहाँ पर बुला लिया जाएगा। तो 6 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके होंगे और इसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस चलने वाली है। आचार संहिता में यहाँ पर आपकी परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर आप सभी के लिए फाइनल रिजल्ट बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा और इसके बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। अब जल्द ही आपको यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी दिखाई देंगे, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होता है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो प्रश्न है वो यही रहता है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होंगे, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कि ज्वाइनिंग बाहर मिलने के ज़्यादा उम्मीद रहती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके कहाँ कहाँ होते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आज के वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को लेकर अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही आगे आने वाले समय में कौन कौन से वीडियो आपके लिए ज़रूरी होंगे इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।